आखिर क्यों हर साल बंद हो जाता है केदारनाथ मंदिर? केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख मंदिर है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। वैसे तो यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, पर यहाँ ना तो भगवान शिव की कोई मूर्ति है और ना ही कोई शिवलिंग, बल्कि इस मंदिर में भगवान शिव की एक बैल के कुबड़ के रूप में पूजा की जाती है, जो त्रिकोण आकार का है। वैसे शिवलिंग के पीछे की कहानी मैंने अपने चैनल पर पहले ही बताया है, जिसे आप इस वीडियो के बाद एंड स्क्रीन पर आने वाले वीडियो से देख सकते हो। आप सबने केदारनाथ में साल 2013 में आई भीषण बाढ़ और इसके बाद घटी चमत्कारों के बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल केदारनाथ में महादेव खुद बैल के कुबड़ के रूप में विराजमान है और यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा उन्होंने महाभारत के पांडु पुत्र भीम को सौंपी थी। यह मंदिर हिमालय की ऊंची चोटियों में 3 पर्वतों के बीच स्थित है, जहाँ साल के 12 महीने बर्फ पड़ती है, जिसके कारण यह काफी ठंड रहती है। यह मंदिर हर साल केवल 6 महीने के लिए ही खोला जाता है और 6 माह के पूरा होते ही इसे बंद कर दिया जाता है। हर साल यह मंदिर ग्रीष्मकाल के कर्क संक्रांति के बाद यानी कि 13-14 अप्रैल के बाद ही खोली जाती है। फिर यह दीपावली के 2 दिन बाद यानी कि भाई दूज के दिन अगले 6 महीने के लिए बंद कर दी जाती है। और मंदिर के बंद होने की वजह है वहाँ पड़ने वाली भारी बर्फ। चूंकि दीपावली के बाद हिमालयन क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण यह क्षेत्र रहने के लिए अनुकूलित नहीं रहता और साथ ही यहाँ तक पहुँचने वाले रास्ते भी पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जब इस मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद किया जाता है, तो इसके भीतर एक दीपक जलाया जाता है और 6 महीने बाद जब इसे दोबारा खोला जाता है, तब भी मंदिर का यह दीपक जलता रहता है। जबकि बता दे कि इन 6 महीनों में न तो इस दिए में कोई भी घी डाली जाती है और न ही इसकी बाती बदली जाती है। ऐसी मान्यता है कि इन 6 महीनों में देवी देवता तथा हिमालय के सिद्ध तपस्वी और ऋषि मुनि यहाँ आकर महादेव शिव के इस चमत्कारी मंदिर केदारनाथ में पूजा करते हैं। वैसे तो महादेव के सारे मंदिर ही अद्भुत है, पर केदारनाथ उन सब में सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ की जो सुंदरता है वह मनुष्यों को तो क्या, खुद महादेव को भी अपना दीवाना बना दी। तभी तो महादेव ने चुना इस स्थान को रहने के लिए।